साथियों, बीते साल भारत ने दिखाया है कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। आज हम वैक्सीन के मामले में भी आत्मनिर्भर है और अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए उतनी ही तेजी के से प्रयास कर रहे हैं। भारत की सभी सेनाएं सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। आज भारत के पास दुनिया की बेहतरीन वॉर मशीन्स है। आपने आज मीडिया में भी देखा होगा, कल ही भारत में फ्रांस से 3 और राफेल फाइटर प्लेन आए हैं। भारत के इन फाइटर प्लेन से मिड एयर ही रिफ्यूलिंग हुई है और ये रिफ्यूलिंग भारत के मित्र यूनाइटेड अरब अमीरात ने की है और इसमें ग्रीस और सऊदी अरब ने सहयोग किया है। ये भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते संबंधों की एक तस्वीर भी है। साथियों, अपनी सेनाओं की ज्यादातर जरूरतों को भारत में ही पूरा किया जा सके, इसके लिए भी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए हैं। 100 से ज्यादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तैयार किया जा रहा है। अब भारत का अपना तेजस फाइटर, हमारा तेजस फाइटर प्लेन समंदर से लेकर आसमान तक अपना तेज फैला रहा है। हाल में वायुसेना के लिए 80 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर भी दिया गया है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉरफेयर में भी भारत किसी से पीछे ना रहे, इसके लिए हर जरूरी R&D पर फोकस किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस इक्विपमेंट के बड़े मार्केट के बजाय एक बड़े प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाएगा।